चाबी थे, पांच या छह जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। दो को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। आशाराम बापू के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी समेत कई सियासी दलों ने इस बयान की निंदा की। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि साधु संतों के ऐसे बयानों से बलात्कारियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद देश भर में जो आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद सियासी बयान बहादुरों ने जो बकबक शुरू की, वो बदस्तूर अभी जारी है। इसी कड़ी में अगला नाम है जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव का। उन्होंने ब्रह्मचर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। टेलीविजन को बक्सा बताने वाले शरद यादव के इस विवादित बयान से मानो राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया है। एक आदमी ने यह चर्चा नहीं की कि हिंदुस्तान में 3 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से दुनिया में कहां बलात्कार होता है। यानी आपने जो स्वाभाविक चीज जैसे पानी पीना है, सांस लेना है, खाना खाना है, उसी तरह सेक्स है 15-20 दिन में नौजवान को चाहिए। अब ये बात सच्ची नहीं मान लो तैयार है देश पाखंड करता ब्रह्मचारी। अरे झूठी बात बोल रहा, कोई झूठी बात बोलते हैं दुनिया भर का पाखंड करते। अब ये जितने साधु हैं, जितने ये हैं, ये कोई भाषा नहीं, ये क्या कर रहे हैं? झूठी बात कह रहे हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की झूठी बात को दुनिया में हो सकती है? अपने चुटीले बयानों के लिए मशहूर शरद यादव ने इस बार ऐसा कटीला बयान दिया है जिसको लेकर समाज के अच्छे अच्छे पैरोकार को बयान झेलना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले और अक्सर बयानों पर उठे विवाद को लेकर मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाले शरद यादव इस बार अपने बयान को लेकर क्या कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बसपा प्रमुख मायावती के आज कई तल्ख रूप देखने को राजधानी लखनऊ में मिले, जहां उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को 2014 के चुनाव के लिए जीत का मंत्र पढ़ाया। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमले भी बोले। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत तक कर दी। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपने सांसदों, विधायकों और जोनल कोऑर्डिनेटरों की मीटिंग बुलाई। बीएसपी के पार्टी दफ्तर पर मीटिंग शुरू होने से पहले ही वो मीडिया से मुखातिब हुई और फिर क्या था, अखिलेश सरकार पर जमकर बरसी। सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर अखिलेश सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए सरकार घोषणाओं का सहारा ले रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश की हालात को देखते हुए राज्यपाल को खुद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव वक्त से पहले भी हो सकते हैं, जाहिर है ऐसे में रणनीति बनाने के लिए माया ने न सिर्फ समीक्षा की बल्कि संगठन की ताकत को भी आंका। जिस अंदाज में सूबे की सरकार पर मायावती ने हमला बोला, उससे साफ हो गया है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर मायावती आने वाले दिनों के अलावा लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आएंगी। अभी हाल ही में दिल्ली से सटे नोएडा की एक दलित वर्ग की लड़की के साथ हुई इस किस्म की वारदात व फिर उसकी की गई हत्या, इस बात का भी ताजा ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसमें वहां की पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए देर रात को ही इस मृतक लड़की का खुद दाह संस्कार करने की भी पूरी पूरी कोशिश की है। जब उनकी सरकार थी तब तो उनको कभी कोई चिंता रही नहीं, और खासकर उनको महिलाओं की तब चिंता नहीं रही। अब उन्हें जब सत्ता से बाहर हैं और तब उनको चिंता हो रही है। नए साल में बहन जी के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां बहन जी अखिलेश सरकार पर लगातार हमले बोल रही हैं, वहीं केंद्र की सरकार को नसीहतें भी दे रही हैं। मतलब साफ है, बहन जी मिशन 2014 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों को मुद्दा बना के सपा सरकार को घेरा। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 4600 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान सपा सरकार और मिल मालिकों की साजिश है।
उन्होंने 11 जनवरी से एक व्यापक आंदोलन की बात भी कही है। बीजेपी ने 4 जनवरी तक का डाटा देते हुए कहा कि 4 जनवरी तक 68.22 करोड़ रुपए की पिराई हुई है, जबकि इसके एवज में भुगतान जो हुआ है वो सिर्फ 2288 करोड़ का है, जो सरकार और मिल मालिकों की मिली भगत दर्शाती है। और कई किसानों को पर्चियां भी अभी तक नहीं दी गई हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के गन्ना माफियाओं पर कहा कि सरकार संरक्षित ये माफिया प्रदेश की चीनी मिलों से पर्चियां लेके बिहार के गन्ना किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना खरीद कर बेचते हैं, जिससे यहां के किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। सुप्रताप शाही ने इन किसानों के हित में 11 जनवरी से देवरिया में एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही है। इसके अलावा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नए साल में सिर्फ 7 दिनों में 30 रेप प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित हो रहे समारोह के दूसरे दिन आज पूर्व विधायकों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से पूर्व विधायकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व विधायकों को तोहफा देते हुए कहा है कि जिन पूर्व विधायकों का देहांत साल 2010 के पहले हुआ है, उनके परिजनों को अब मासिक पेंशन दी जाएगी और इसके लिए आने वाले बजट में प्रावधान भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने पर मनाई जा रही उत्तर क्षति रजत जयंती समारोह में आज दूसरे दिन पूर्व विधायकों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सपा मुलायम सिंह यादव शामिल हुए। आज यूपी की विधानसभा का मंजर जरा बदला हुआ नजर आया। सदन की कार्रवाई तो हुई पर मौजूदा नहीं बल्कि पूर्व विधायकों के साथ। विधानमंडल की उत्तर क्षति रजत जयंती समारोह में इन पूर्व विधायकों ने एक बार फिर उस एहसास को ताजा किया जब ये सभी विधायक यहाँ की कार्रवाई का हिस्सा हुआ करते थे। विशेष सदन में पहुंचे पूर्व विधायकों ने उन सुनहरे लम्हों को याद किया, साथ ही अपनी परेशानियों से भी सरकार को रूबरू करवाया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानमंडल की खास अहमियत बताई। उन्होंने माना कि यूपी देश का बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना उनके लिए गौरव की बात है। अखिलेश यादव ने सभी पूर्व विधायकों से वादा किया कि वो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही इसके लिए आने वाले बजट में प्रावधान भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2010 से पूर्व जिन विधायकों का निधन हुआ है उनके परिजनों को भी पारिवारिक पेंशन में शामिल करने का ऐलान किया है, साथ ही पूर्व विधायकों को मिलने वाले कूपन में बढ़ोतरी और दूसरी मांगों पर भी विचार कर जल्द ही फैसला लेने की बात भी कही है। विशेष सम्मेलन में मुख्य अतिथि मुलायम सिंह यादव ने माना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलने वाले कई लोगों ने देश और विदेश में ख्याति पाई है। मुलायम ने अखिलेश और आजम दोनों को ही सियासत के मूल मंत्र दिया, यानी कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अहमियत है। उन्होंने दोनों का सामंजस्य बना रहना जरूरी बताया है। अपने घोषणा पत्र में किए गए मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा के वादे को भी मुलायम ने दोहराया। मुलायम ने इस बात पर जोर दिया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में एक ऐसा प्रस्ताव जरूर लाया जाए जो पूरे देश के लिए मिसाल बने, चाहे वो PGI स्तर का मुफ्त इलाज हो या प्रदेश की सभी लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना हो। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री NDP तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि तिवारी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अब अपना लिया है। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो देश के इतिहास में यादगार हो सके। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां के नेताओं ने देश की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया है। आखिरकार कांग्रेसियों को जिसका डर था वैसा ही हुआ। जी हां, खराब मौसम के कारण एक बार फिर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। यानी 14 जनवरी को गैरसैंण में विधानसभा भवन के शिलान्यास के लिए सोनिया गांधी नहीं आएंगी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी भी उम्मीद का दामन पकड़े हुए हैं। एक बार फिर कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में कोहरे को देखते हुए SPG द्वारा इस कार्यक्रम को रद्द करने का सुझाव कांग्रेसी नेताओं को दिया गया था, जिसके बाद सोनिया गांधी के दौरे को रद्द करने की घोषणा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने मीडिया के सामने कर दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी के दौरे की घोषणा की हो और उन्हें निराशा हाथ न लगी हो। इससे पहले ऐतिहासिक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के उद्घाटन के मौके पर भी सोनिया गांधी नहीं पहुंची। उनकी जगह रक्षा मंत्री AK एंटनी ने शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं आपदा के दौरान 2 बार सोनिया गांधी का उत्तरकाशी और उकीमठ का कार्यक्रम बना, लेकिन सोनिया गांधी नहीं आई।
वहीं विधानसभा चुनाव में भी सोनिया चार रैलियों में से मात्र एक रैली में ही शिरकत करके चली गई। पार्टी नेता अब सोनिया के नहाने का कारण मौसम की बेरुखी बता रहे हैं। हालांकि यह भी दिलासा दे रहे हैं कि मैडम जल्द ही उत्तराखंड आएंगी। मौसम क्या स्थिति होगी वो भी दिल्ली में पता लगा रहे हैं, हम भी पता लगा रहे हैं और कल सुबह तक स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एसपीजी ने उनको मना कर दिया। अरे ये पता नहीं कौन खबरें उड़ाता है, लेकिन ये कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। मौसम की बात अपनी जगह पर है, इसे हम मानते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। माननीय सोनिया गांधी जी का कार्यक्रम गैरसैंण के लिए बनेगा और ये 14 तारीख को भव्य कार्यक्रम वहाँ पे होगा और गैरसैंण विधानसभा भवन का शिलान्यास कार्यक्रम बहुत ही भव्य आयोजन के साथ वहाँ पे आयोजित। हालांकि जहाँ एक और कांग्रेस संगठन द्वारा औपचारिक रूप से सोनिया गांधी के नहीं आने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष सोनिया गांधी के आने की उम्मीद पाले हुए हैं। सीएम के अनुसार मंगलवार तक सभी स्थिति साफ हो जाएगी। कड़ाके की पड़ती ठंड की वजह से यूपी और दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बदहाल है। ठंड और सर्द हवाओं की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो आज सुबह 4:30 बजे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते उत्तर प्रदेश में अभी तक 155 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठंड और कोहरे का असर न सिर्फ लोगों के जनजीवन पर पड़ा है, बल्कि यातायात पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। गंगा अभियान खत्म होने के पहले पखवाड़े के बाद उमा भारती वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ नजर आई। उमा की माने तो बेहद सफल रहा उनका ये गंगा अभियान। साध्वी और सन्यासी दोनों मिलकर उमा भारती बनते हैं और उमा भारती ने गंगा अभियान भी कुछ इसी अंदाज में चलाया। उमा भारती उत्तराखंड से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक गंगा की सफाई किया अभियान चलाती हुई नजर आई। साथ ही 725 सांसदों का हस्ताक्षर करवाकर साध्वी उमा भारती ने सियासी जमात को भी समझाने की कोशिश करी कि धर्म से लेकर संस्कृति और सभ्यता तक गंगा कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भावुकता का कारण मैं लोग मुझे जो जानते हैं ना, वो कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगती है तो भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई मेरी तारीफ करता है तो भी आंसू आ जाते हैं। एक पुरानी बात है। गंगा मैया के नाम पर बीजेपी के लोह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी की आंखें भी नम हो गई। लालकृष्ण आडवाणी की आंखें तब नम हुई जब उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी की डॉक्यूमेंट्री गंगा पर ही चल रही थी। नोएडा में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 2 साल पहले भी उसकी बेटी के साथ रेप की कोशिश की थी। यदि उसी वक्त पुलिस ने ठोस कार्रवाई की होती तो आज ऐसी घटना नहीं घटती। आपको बता दें कि शनिवार सुबह सेक्टर 63 में एक लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एसएसपी ने ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मेरी बेटी घर पे ही थी और घर पर अकेली थी, गेट बाहर का गेट लगा रखा था और दीवार कुछ कम ऊंची थी, तो एक उदयवी सिंह यादव नाम का बेलोरपुर निवासी घर में दीवार कूद के आया था, शायद रेप किया उसके साथ और दीवार कूद के चला गया। जब हम घर आए उसने आप बीती बताई, हम उसकी तहरीर थाने में दी, यहाँ से उसको उठाया भी और गांव के सभी लोग बेलोलपुर निवासी सभी आ गए, सब ने जिम्मेवारी लेके आ गए, आपके साथ कुछ नहीं होगा और हम जिम्मेवारी लेते हैं, दबाव भी डाला गया। तो उस समय थोड़ा समझौता करवा दिया, बेटी की बात थी, ज़्यादा न फैले। उसके बावजूद भी 2 साल पहले वही युवक मेरे घर में दोबारा घुसा। अब हमने पूरा प्रण कर लिया था आपके छोड़ेंगे नहीं, हम सेक्टर 62 की चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए और हमने खुद लिख के दी, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, मैंने अपने हाथ से लिखी। 2 साल पहले भी अगर पुलिस अपनी सही से कार्रवाई करती तो शायद आज इतना मनोबल नहीं बढ़ा होता इन अपराधियों का। वहीं पीड़ित पिता ने फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संतोष जताया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली गैंगरेप के पांचों आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने बंद कमरे में केस की सुनवाई की। गैंगरेप के